ये कितने रैली हम लोग देखे हुए जाकर के, कोई इसका असर पड़ने वाला नहीं है। पूरा देश में और बिहार में मोदी लहर चल रहा है, करंट है जाकर के। चुनाव आते आते तूफान आदमी बदल जाएगा और आरजेडी गठबंधन महागठबंधन है जीरो पर आउट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। तेजस्वी यादव अपने जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं, तमाम जिलों में जाकर आम जनता के बीच अपनी मन की बात कर रहे हैं, अपने 17 माह के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। इस पर लगातार भाजपा हमलावर है, जेडीयू के नेताओं की भी तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब इस मुद्दे पर भाजपा से मंत्री प्रेम कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, साफ कहा है कि इस तरीके से यात्रा करने से, घूमने फिरने से कोई काम नहीं होने वाला है। आने वाले चुनाव में एनडीए 400 पार करने वाली है, तो वहीं यहां तक कह डाला मंत्री प्रेम कुमार ने कि तेजस्वी यादव के साथ केवल अपराधी और शूटर उनके मंच पर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ और कहते नजर आए, पहले आप वो सुने। और अब आई बात समझने के लिए, अपने से बचाने के लिए, परिवार बचाने के लिए अब यात्रा पर जा रहे हैं जाकर के। अब पूरा का पूरा इनका यात्रा फ्लॉप है जाकर के। मैं देख रहा हूँ उस यात्रा में अपराधियों का जमावड़ा है, मंच पर अपराधी दिख रहे हैं, शूटर दिख रहे हैं, तीन जिनका इतिहास अपराध कर रहा है। रैली की जाएगी, ये कितने रैली हम लोग देखे हुए जाकर के, कोई इसका असर पड़ने वाला नहीं है। पूरा देश में और बिहार में मोदी लहर चल रहा है, करंट है जाकर के। चुनाव आते आते तूफान आदमी बदल जाएगा और आरजेडी गठबंधन महागठबंधन है जीरो पर आउट हो रहा है। जुटाने की बात कर रहे हैं, 10 का 15 लाख जुटाने जनता भाड़े पर लाए गए लोगों का विश्वास नहीं करती जा रहा। उनके रैली का कोई संपर्क होने वाला नहीं है। फिर से एनडीए की सरकार 400 का पार हो गए, नरेंद्र भाई मोदी 2/3 बहुमत से प्रधानमंत्री बने। जब से तेजस्वी यादव ने अपनी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है, तब से लगातार भाजपा उनकी इस यात्रा पर हमलावर है। तेजस्वी यादव भी अपने मंच से सभा को संबोधित करते हुए कभी सीएम नीतीश कुमार तो कभी खुद पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते नजर आते हैं। अब उनके इस जनविश्वास यात्रा पर मंत्री प्रेम कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है, यहां तक कि बड़ा आरोप भी लगा दिया और कह दिया है कि तेजस्वी यादव जहां भी जा रहे हैं, जिस जिले में भी जा रहे हैं, उनके साथ मंच साझा केवल अपराधी कर रहे हैं। जो अपराधी रहे हैं, जो शूटर रहे हैं, वही केवल तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रेम कुमार ने यह भी कह दिया कि उनके इस यात्रा का कोई फायदा उन्हें या उनकी पार्टी को आने वाले चुनाव में नहीं होने वाला है। जो जनता है वो सब जानती है और जनता का वोट केवल एनडीए के लिए ही है। एनडीए आने वाले चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करके दिखाएगी। पूरे मुद्दे पर मंत्री प्रेम कुमार क्या कुछ कहते नजर आए, हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।